नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में आयोजित ये कार्यक्रम। बहुत पहले हम लोगों को बहनों के बीच में आना था, पहुंच नहीं सके थे, फिर भी उन्होंने इस कार्यक्रम को स्थगित रखा और आज अपने बीच में बुलाया। तो मुख्य रूप से उनके सम्मान में वर्ल्ड नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित होना था उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए थे। कई विसंगतियाँ हैं, वेतन विसंगतियाँ हैं। बहनों ने याद दिलाया कि जब विपक्ष में थे तब तो आपने बातों को हमारी उठाया था, घोषणा पत्र के समय भी आप मिले और हमारी बातों को आपने अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने सम्मिलित किया। अब आप लोगों को जिम्मेदारी हम लोगों ने सौंपी है, अब पूरा करने का उन बातों को समय आया है। तो इसी लक्ष्य को लेके हम लोग काम भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। जो बातें हैं जिनको हम लोगों ने रखा था करने के लिए, विश्वास भी दिलाया था, अब पूरा करने का हम लोगों का टाइम आ गया। बहुत चीज़ें हैं, ये सतत प्रक्रिया है। ये समीक्षा हर दो महीने तीन महीने में होती भी रहेगी और अलग अलग क्षेत्र में क्या स्थितियां हैं वो सारी बातें सामने आती हैं। वास्तव में अगर आप पूछिए तो ये दो दिन भी पर्याप्त नहीं है और समय इसके लिए चाहिए, और भविष्य में मैं प्रयास करूंगा कि एक हफ्ते के तीन दिन कम से कम स्वास्थ्य विभाग के लिए अलग से चिन्हांकित रहें ताकि विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर सके। सामान्य रूप से ये बात शायद सामने ना आती हो। एक तो आयुष्मान भारत को लेके कई प्रकार के प्रचार दुष्प्रचार भी बाजार में चल रहे हैं। आयुष्मान भारत में छत्तीसगढ़ नंबर वन पे है, जो परफॉर्मेंस है वो छत्तीसगढ़ में नंबर वन पे है। उसका एक और पहलू जो सामने आया है वो रिजेक्शन रेट आयुष्मान भारत के पेमेंट्स का निजी क्षेत्र में 2.5% है और पब्लिक क्षेत्र में 10% है। तो निजी क्षेत्र के केसेस स्पष्ट दिख रहा है कि ये आसानी से या तुलनात्मक आसानी से उसका निराकरण हो जाता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के जो केसेस हैं विशेष करके मेडिकल कॉलेजेस के, ये प्रक्रियाओं को लेके और औपचारिकताओं को लेके और फॉर्म भरने की प्रक्रियाओं को लेके ये पिछड़ जाते हैं। तो हम लोगों ने ये टारगेट दिया है कि जो प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में आयुष्मान भारत के केसेस के पैसों का पेमेंट हो जाता है उसी तर्ज पे यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जो राशि आपको वापस मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से 40% उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी राज्य को मिलेगा और 60% जो हैं वो जो काम करते हैं हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और बाकी स्टाफ उनको भी मिलता है। तो ये राशि प्राइवेट सेक्टर में क्यों 2.5% ही मात्र रिजेक्शन केस है और पब्लिक सेक्टर में क्यों 10% रिजेक्शन रेट है, इसको कम भी करना और उसकी समीक्षा करना। ऐसे बहुत सारे पैमाने हैं, ऑडिट्स होते हैं, दवाइयां किस प्रकार की दी जा रही, तो बहुत सारे पैमाने होते हैं, उनको क्लाउड पे चढ़ाने की बातें हैं, 10 मूल्यांकन ये क्लाउड पे चढ़ा के सतत उसकी निगरानी करना, बहुत सारी बातें हैं। ये अब तो हम लोग एक्सपेरिमेंट मोड में नहीं हैं, अब तो लागू करने के मोड में आ गए हैं। सफल होते हैं कि नहीं, एक्सपेरिमेंट का समय निकल गया, सोचना चिंतन करना उसके बारे में सबकी राय लेना वो समय निकल गया। अब हम लोग उसको लागू करने के लिए वास्तविक स्थितियां फील्ड में क्या मिलेंगी, इसलिए 146 ब्लॉक्स और शहरी क्षेत्रों को न लेके हर संभाग के एक विकासखंड को चुना है और उस विकासखंड में लिंकेज करके कि वहाँ की व्यवस्थाओं को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ के अस्पताल में सारी व्यवस्थाओं का समायोजन हो, सारे उसके लिंकेजेस बने, दवाइयों की उपलब्धता से लेके रेफरल की जो बातें आती हैं वो सारी व्यवस्थाओं को करना, जो उपचार और जो दवाई आपको सब हेल्थ सेंटर में मिल सकती है उसके लिए मेडिकल कॉलेज में ना जाना। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर या स्वास्थ्य के अधिकार के पीछे जो परिकल्पना है कि जेब से कम हो, नहीं के बराबर हो, तो जिस दवाई के लिए आपको सब हेल्थ सेंटर में निजात हो जाएगी उसके लिए आप अगर जिला अस्पताल जाओगे तो गाड़ी किराया समय ये सारा लगता है, तो उसी प्रबंधन में हम लोग लगे हैं। दवाइयाँ कितनी हर सब हेल्थ सेंटर में जाएंगी, तो इन विकास खंडों में अगर सब हेल्थ सेंटर में 58 प्रकार की दवाइयों को जाना है तो ये लिखा रहेगा कि स्वास्थ्य के अधिकार के तहत ये 58 दवाइयाँ आपको वहाँ मिलेंगी।
उससे बड़ी बीमारी अगर है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इतनी दवाइयां आपको 128 उदाहरण के लिए 126 दवाइयां आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलेंगी। उससे गंभीर बीमारियां हैं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहां पर इतनी दवाइयां आपको 2-100 दवाइयां वहां पर मिलेंगी। और गंभीर बीमारी हो रही है तभी आपको जिला अस्पताल जाने की आवश्यकता होनी चाहिए, तो जिला अस्पताल में 400-600 ये दवाइयां आपको वहां पर निःशुल्क उपलब्ध होंगी। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर का या स्वास्थ्य के अधिकार का स्वरूप है। साथ में जाँच, सब हेल्थ सेंटर में जाँच क्या होगी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाँच क्या होगी, ये सारी व्यवस्थाएँ इन 5 विकास खंडों में करके और फिर शेष 141 विकास खंडों में करने की हम लोगों की मंशा है। For more information, log on to www.clips.in.